राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था को देखते हुए राज्य सरकार को घेर लिया है। नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर के कई विभागों का कामकाज एक ही अफसर के संभालने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर सवालिया निशान बनाकर जवाब मांगा है। अदालत का कहना है कि राज्य सरकार ने शहर के विकास को सुचारू गति और प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण के नाम पर जयपुर नगर निगम को हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के तौर पर दो निगमों में बांटा था। ऐसा होने के बाद भी शहर की सफाई व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। वहीं गैराज, उद्यान व टाउन प्लानिंग विभाग सहित अन्य विभागों के एक ही अफसर दोनों निगमों का काम देख रहे हैं। साथ ही कहा कि जब दो नगर निगम नहीं संभल रहे हैं तो बनाने की क्या जरूरत थी, शहर को ही दो हिस्सों में बांटकर नया शहर बसा देते हैं ताकि नया नगर निगम नए कर्मचारियों के साथ कामकाज तो करता। राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि पुरानी नगर निगम के स्टाफ से ही दोनों नगर निगम चल रहे हैं, तो क्या वार्ड की संख्या बढ़ाकर राजनीतिक उद्देश्य के लिए दो नगर निगम बनाए थे। दरअसल PIL में कहा गया कि पूर्व में हाईकोर्ट में नगर निगम के विभाजन को चुनौती दी गई थी। उस समय AG ने ये कहते हुए राज्य सरकार का बचाव किया था कि दो नगर निगम होने से प्रशासनिक दृष्टि से आसानी रहेगी और क्षेत्र कम होने से अधिकारी कामों की निगरानी कर सकेंगे, जबकि अधिकारियों का बंटवारा केवल कागजों तक ही सीमित रह गया। दोनों नगर निगमों के कई पदों पर एक ही अधिकारी काम कर रहे हैं। फिलहाल अब अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह सुनवाई को बताएं कि निगम का कौन सा अफसर किस जगह पदस्थापित है।